तो गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल रंबल के मैच कार्ड प्रेडिक्शन की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WWE का PPV रॉयल रंबल कल यानी कि 28 जनवरी को होने जा रहा है। बात की जाए इसके प्रसारण की तो सुबह 5:30 बजे से दोस्तों इसका मेन प्रसारण स्टार्ट होगा, जहां दोस्तों किक ऑफ 3 बजे से आपको देखने को मिल जाएगा। बात की जाए इसके मैचेस की तो गाइज सबसे पहला मैच जो कि इस PPV के अंदर रखा गया है वो होने जा रहा है क्रूजर वेट चैंपियनशिप के लिए। और यहां दोस्तों एक फैटल फोर वे है जो कि है बड़ी मर्फी, कलिस्तो, तोजावा और हिडियो टामी के बीच में। और यहां दोस्तों बड़ी मर्फी जो चैंपियन है उन्हें अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करनी है। बात की जाए विनर की तो गाइज मुझे नहीं लगता यहां कोई चैंपियनशिप चेंज होगी और यहां दोस्तों बड़ी मर्फी अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर जाएंगे। लेकिन चलते हैं दोस्तों दूसरे मैच के ऊपर। तो दूसरा मैच जो इस PPV के अंदर रखा गया है दोस्तों वो भी किक ऑफ के अंदर रखा गया है और यह है दोस्तों रूसेफ वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच में। और US चैंपियनशिप यहां दाओ के ऊपर होगी। मुझे नहीं लगता दोस्तों यहां भी कोई चैंपियनशिप चेंज होने वाली है और यहां रूसेफ अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर जाएंगे। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं मेन कार्ड्स की। तो गाइस मेन कार्ड्स के अंदर सबसे पहला मैच जो कि रखा गया है वो होने जा रहा है दोस्तों द मिज और शेनो मैक वर्सेस द बार के बीच में। तो गाइस यहां स्मैकडाउन की टैग टीम चैंपियनशिप दाओ के ऊपर होगी। बात कर ली जाए इस मैच के विनर की तो गाइस मुझे लगता है कि यहां टाइटल चेंज होंगे और द मिज और शेनो मैक न्यू चैंपियन बनेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं अगले मैच के ऊपर जो कि इस PPV के अंदर रखा गया है वो है दोस्तों आस्का वर्सेस बैकी लिंच 1-on-1 मैच फॉर द WWE वुमेन्स टाइटल ऑफ स्मैकडाउन। तो काफी बड़ा मैच है लेकिन बात कर ली जाए इस मैच के विनर की तो गाइस यहां मुझे लगता है कि कोई टाइटल चेंज नहीं होगा और आस्का अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेगी। इसके बाद जो मैच हमें देखने को मिलेगा वो होने वाला है दोस्तों रोंडा राउजी वर्सेस साशा बैंक्स के बीच में, जहां दोस्तों रॉ की वुमन चैंपियनशिप दाव के ऊपर होने वाली है। बात कर ली जाए विनर की तो गाइज मुझे नहीं लगता कि यहां रोंडा की अंडिफीटेड स्ट्रीक टूटेगी, वो चैंपियनशिप हारेगी। मुझे नहीं लगता ये चीजें होने वाली है और यहां रोंडा शिकार करने वाली साशा का और रोंडा की यहां जीत होगी। लेकिन अब हम चलते हैं अगले मैच के ऊपर। तो गाइज अगला मैच जो हमें देखने को मिलने वाला है वो होने जा रहा है दोस्तों WWE चैंपियनशिप के लिए द फेनोमिनल वन AJ स्टाइल्स वर्सेस डेनियल ब्रायन के बीच में। तो द न्यू डेनियल ब्रायन दोस्तों क्या यहां चैंपियनशिप रिटेन कर पाएंगे, ये सवाल आपका भी था। और गाइज मुझे भी ये लगता है कि यहां डेनियल ब्रायन अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर जाएंगे, AJ स्टाइल्स के यहां कोई चांसेस नहीं है और यहां दोस्तों डेनियल ब्रायन जीतने वाले हैं। लेकिन अब हम चलते हैं इससे अगले मैच के ऊपर। तो इससे अगला मैच दोस्तों काफी बड़ा है और ये होने जा रहा है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस फिन बैलर फॉर द WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो दोस्तों काफी बड़ा मैच है, यहां दोस्तों फिन बैलर के ऊपर कई लोगों का विश्वास है। वहीं दोस्तों ब्रॉक लेसनर जो है वो फिन से काफी बड़े हैं साइज में। लेकिन बात कर ली जाए मैच के रिजल्ट की तो गाइज मुझे नहीं लगता कि यहां फिन बैलर का कोई चांस है, क्योंकि वो पहले ही बता चुके हैं कि डीमन कैरेक्टर यहां वो नहीं लाने वाले हैं। और बात की जाए विनर की तो गाइज यहां मैं पिक करूंगा द बीस्ट ब्रॉक लेसनर को कि वो अपनी चैंपियनशिप यहां रिटेन कर जाएंगे। लेकिन अब हम चलते हैं सेकंड लास्ट मैच के ऊपर जो कि होने जा रहा है 30 वुमन रॉयल रंबल मैच। तो पिछले साल दोस्तों ये जो मैच था ये शो स्टीलर था, जिसने दोस्तों पूरे शो की अट्रैक्शन अपनी ओर कर ली थी। लेकिन बात की जाए यहां दोस्तों कौन कौन देखने को मिल सकता है तो कई बड़े नाम दोस्तों यहां हमें देखने को मिल सकते हैं। विक्टोरिया दोस्तों उनमें से एक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इधर विनर की तो गाइस यहां शार्लेट फ्लेयर इस बारी की रॉयल रंबल को जीत सकती है और यहां दोस्तों वो दूसरी वुमन बन सकती है जो कि रॉयल रंबल जीती है। लेकिन अब हम चलते हैं आज की मेन मैच के ऊपर जो कि होने जा रहा है दोस्तों 30-man रॉयल रंबल मैच। तो सबसे बड़ा ये मैच होता है इस PPV के अंदर दोस्तों, सबसे बड़ी अट्रैक्शन यही रहता है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि इतना बड़ा मैच इतने सालों से चला आ रहा है, लेकिन इस साल कौन इस मैच को जीतेगा ये सवाल उससे भी काफी बड़ा है। तो गाइज पहले भी मैं एक रेसलर को पिक कर चुका हूं और फिर से मैं उसी को पिक करूंगा और इस साल जो विनर होगा वो है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस और वो ही दोस्तों 2019 की रॉयल रंबल के विनर कहलाए जाने वाले हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि किसके चांसेस कितने हैं, कौन जीतने वाला है, क्या मेरी प्रेडिक्शन रही। लेकिन दोस्तों आप किसे देखना चाहते हैं 30-man रॉयल रंबल को जीतता हुआ, यह आज का सवाल है और इसका जवाब देना मत भूले। वेल दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।